जी नमस्ते। हाँ नमस्कार, आइए आइए। अरे आप लोग आ गए इतने जल्दी? जी वो हम अमनी ताई को अपने जाने आए हैं। बहू घर आए 24 घंटे भी नहीं हुए और ये ले जाने आ गए। लता ये रस्में हैं, निभानी तो पड़ती है ना। आप ऐसा कीजिए, जब तक आप अवनीत से उसके कमरे में बैठ के बातचीत कीजिए, भास्कर के आते उसे ले जाइएगा। उससे नमस्ते नहीं की, दो बातें नहीं की। अवनी अवनी डरते हैं तुमसे, उनकी हिम्मत नहीं होती तुम्हें नमस्ते करने की। ताड़का का रूप हो। क्या बोला? मैं अंबा, अंबा देवी का रूप हो तुम। हाँ भास्कर, तू आज शादी के बाद पहली बार जा रहा है ससुराल जमाई बन के, तो जमाई के रुतबे में ही रहना। उनके सामने ज्यादा झुकना नहीं, उनकी हाँ में हाँ मत मिलाना, समझे? अब मेरा मतलब, हाँ ठीक है। ये तुमसे क्या सिखा रही हो? हर बात में बोलना जरूरी है। आई तू चिंता मत कर, मैं सब समझ चुका हूं। कदमों में रखूंगा कदमों में, बस सिर्फ एक बार मैं वहां पहुंच तो जाऊं। अगर ऐसे ताई के कपड़े देख देख के परेशान होने वाली है ना, तो हम कपड़े गरीबों को ही दान कर देंगे। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। आई तो फिर इन कपड़ों को देखकर तो दुखी क्यों हो रही है? अरे मैं दुखी नहीं हो रही हूँ, मैं तो ये अदिति तुझे लाल रंग बहुत पसंद है ना, ये तो अपने लिए रख। आई तो ये क्या कर रही है? आभा यहाँ तो, हाँ ये इसे तेरे नाप का बना लेंगे। हाँ ये रख, अब समझा तुम दोनों को? ना तो मैं दुखी हो रही थी और ना ही मैं नाराज हो रही थी। बस थामा थामा, इधर ही साइड पे रोक दो दादा। ये अवनी काकी, हाँ आई इंतजार कर रही होगी ना। अरे जब से हम लोग निकल रहे थे तब से कह रही, न जाने कितने बार कह चुकी कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अरे अदिति अब आ, देखो तो कौन आया है। कैसे मेरे चकुले? अच्छी हो तू, कैसी है? मैं बढ़िया है। तू बारीक हो गई क्या रे? क्या मौसी, एक दिन में कैसे बारीक हो जाऊंगी? अदिति कैसी है? अच्छी हूँ, तू कैसी है? ठीक। तूने आई को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा चलना, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। Hey! क्या रिक्शे का भाड़ा? अरे भाड़ा मैं थोड़ी ना दूंगा, वो लोग देंगे ना। अरे भाई मर्द हो, घर वाले लोग को लेके आए हो, तो भाड़ा आप ही दोगे ना। हेलो जवाई हूँ मैं इस घर का। घर जवाई हो क्या? क्या बोला है? अरे नहीं हो तो भाड़ा दो ना। सर आज तक मुझसे कोई कटिंग चाय के पैसे नहीं वसूल पाया, मगर इन ससुराल वालों ने से रिक्शा का भाड़ा ही वसूल लिया। ले पकड़, चल कट ले अब। मेरी आई ने बोला था कि ससुराल में रुबाब से रहना, दामाद का रुबाब दिखाना,
यहाँ ना रोग है ना रुबाब। बताई ताई तुझे कितना मिस किया। कैसी है तू? कैसी दिख रही हो? एकदम झटाक। तू ऑफिस नहीं गई? अरे आज मेरी ताई आने वाली थी, ऑफिस कैसे जाती? अच्छा तुझे बहाना मिल गया ना छुट्टी मारने का। और तेरा कॉलेज? आज तो नेशनल हॉलीडे है ना। क्यों? आज मेरी ताई आ रही तो छुट्टी तो बनती है। अवनी फिर अवनी कशी है? मैं वैसे ही जैसे छोड़कर गई थी। तू तू कशी है? भास्कर कहाँ है? अरे वो साथ में ही आए थे। वो कैसी है तू? आइए ना। अरे शुक्र है आप लोगों को मेरी याद आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पे रिफ्यूजी हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे लिए तो दामाद पहले बेटी बात में। कैसे हैं आप? आई मस्ती तो रहेंगे, आखिर अपने ताई के हस्बैंड है। आइए ना जीजू जी, आइए। ए रुको रुको, मैं नजर उतारती हूँ। पहली बार ससुराल से मायके आई हूँ, नजर तो उतारो। हमारे साथ रहने दो ना, बहुत सारी बातें करने जी जो थोड़ी देर। आप आइए आइए आइए। वो हवा चलती रहती है ना तो धूल तो आती ही रहती है। बैठिए। बहुत गर्मी है। हाँ मैं पंखा चलाती हूँ। वो मनु मनु पंखा देख तो जरा चल नहीं रहा। अब बता ना, मुझे कल रात को चिल्लाया। चुप कर। अरे ये कर। अच्छा वो छू, तुझे पता है आईने आज सुबह क्या किया? पता है क्या? आईने सुबह ना तेरे कपड़े हमें दे रही थी। मुझे ना वो बांधने वाला रेड वाला जो मुझे पसंद है ना, और मुझे पिंक वाला। और हम दोनों ने मिलके मनु को कौन सा कलर दिया? ब्लू। अगर आई शायद भूल गई थी कि तेरी शादी हो गई और तू अब ससुराल में, इसलिए होता है रे। लाडली बेटी है, याद तो आती होगी। क्या हुआ? पंखा पंखा चल नहीं रहा। अच्छा सुन, वो तू शरबत लेकर आ बाद में। हाँ मैं अभी आती हूँ। अरे उसे बैठने तो दो। ये देखो सब सामान है मेरे पास, बस अभी खोल के चेक करता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। जीजू मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, टीवी फ्रिज पंखा सब कुछ। आपके घर में कुछ भी खराब हो जाए ना मुझे बता देना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे जीजू इसका तो रोटर खराब हो गया, पूरा जल गया। मैं जाके अभी लेकर आता हूँ एक अच्छा माल। कमाल है यार, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। दामाद घर पर आया हुआ लेकिन हर कोई अपनी मस्ती में। मेरे ससुराल में सत्यनारायण की पूजा है तो आप जरूर आना। चॉकलेट। ओ चॉकलेट तो मैं इस बार लाना भूल गई। अगली बार सबके लिए दो दो। प्रॉमिस पक्का। और आई एड़े हो गए क्या ये लोग? ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इनकी बेटी मौत के मुंह से बाहर आई हो। अरे यार कोई इज्जत ही नहीं है। पानी पूछा तो दो, अकेले बिठा के रख दिया यहां पर। अवनी, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? सब क्या है अवनी? अरे इस घर का दामाद मुझे अकेला छोड़ के तुम लोग अपने में ही लग गए। I'm so sorry भास्कर, वो हमें लगा मनु बैठा है आपके साथ और फिर अंदर बातों बातों में पता ही नहीं चला। पता नहीं सब लोगों को कैसे पता चल गया मैं आई हूँ, सब मिलने आ गए। अरे कम से कम ठीक है, मेरे बारे में भी तो सोचा करो ना। मैं कब से यहाँ अकेला बैठा हूँ। आप बुरा मत मानिए। बैठिए ना, बैठिए। पानी। ठंडा नहीं? तुझे बर्फ लेकर आना। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं रहने दो, जब पता था पहले आने वाले हैं तो
पहले ही मंगा के रख देना पर। अच्छा चलो ठीक है, इस बार एडजस्ट कर लेता। एक काम करो, मंगा ही लो, बाद में जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं कुलकर्णी आंटी से अभी लेकर आती हूँ। अभी आप गुस्सा थोप भी दीजिए, सॉरी वो बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। राजेश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तुम तो आए नहीं मिलने, तो मैं आ गया। अब चलो। नहीं नहीं, अवनीता और जीजू आए हैं, अभी तो नहीं जा सकते। तुम्हारे पास तो इतने सारे लोग हैं और मेरे पास सिर्फ तुम। अच्छा वो सब छोटा से बंदर की तरह कूद के क्यों है? क्या करें, प्यार इंसान को बंदर भी बना देता है। सीमा काकी तुझे बुला रही है अंदर, आ जा जल्दी। हाँ आती हूँ। हाथ धुले, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ जल्दी। मैं जाऊँ क्या? कहाँ? वो सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ। अब ऐसे क्या देख रही हो? उसे मैं ना पंखा जल्दी ठीक कर दूंगा और मैं ठंडी ठंडी हवा खिलाऊंगा उसके बाद। आइए इधर है बाथरूम। जब देखो तब बंद पड़ जाता है मेरा स्कूटर, सड़ेला स्कूटर दिया दहेज में, तो वाट लगा दूं। ए क्या वर्जिश करने का जगह है क्या इधर? लोग कपड़ा सुखाते इधर। ए क्या बॉडी क्या मेरे को दिखाता है तू? हाँ ए चल जाके अपना काम कर। ताई कैसे लग रहा है? खूब अच्छा दिख रहा है। जरा अच्छी तरह से करना, जमाई बाबू पहली बार घर आए हैं। ऑब्वियसली मौसी। अरे आई कर ना। आई क्या कर रही है? मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूं। पूरियां कर रही हूं। ला ना मैं मदद करती हूं। नहीं 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 मैं कर लूंगी। क्यों तू जा आदित्य आभा के साथ बैठ जा। अरे पर दे ना मैं मिलती हूं। अरे नहीं, अरे उस घर में जाकर भी तो तुझे काम करना है। तुम्हारे घर में अब सत्यनारायण की पूजा होगी, फिर भास्कर की माँ तेरे हाथ से कुछ मीठा बनवाएगी, फिर तेरी गृहस्थी शुरू होगी। मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली, एक आध दिन अपनी आई के पास रुकूंगी, उसके बाद जाऊंगी। सच कहो आई, तो मन ही नहीं करता कि तुझे छोड़कर जाऊं। कभी कभी लगता है कि मैंने ये शादी ऐसे ही कर ली। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। कितनी बार समझाया मैंने तुझे, अब वही तेरा घर है। उन लोगों की खुशी, उन लोगों की मर्जी, इसी के बारे में तो सोचना है तुझे अब। अच्छा इसका मतलब कि मैं तुम लोगों के बारे में सोचना बंद कर दूं? आई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तू देखना मैं उम्र भर अपनी आई का पीछा नहीं छोड़ने वाली। अच्छा वो तो तब पता चलेगा जब तेरा परिवार होगा, अपना बच्चे होंगे। ताई भाऊजी को बुलाना, बहुत भूख लगी है सबको। अरे ये जो शर्माती क्यों गई है? तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा। आई क्या है? ये पापड़ लेकर जा। हाँ तू भी ना। बाबा। हाँ बाबा चले जाऊंगे। का चलिए खाना खा लीजिए। बन गया? नहीं नहीं खाना तो खा ले, लेकिन बेटा तेरी आई नहीं आई अभी तक।
अरे यही मंदिर तक तो गई थी सत्यनारायण पूजा के लिए बोलने। फिर बाबा आप तो जानते हैं ना आई को, किसी के साथ गप्पे मारने में बिजी होगी, कोई मिल गया होगा। आप चलिए खाना खाइए, मैं देखती हूँ। पूजा है कल। हेलो, क्या कैसे? क्या हुआ बाबा? पापड़ नंतर वाट ना। और ये टोमेटो? हाँ हाँ, झालो सगळं आपण आई। अरे कितना कुछ बनाया। अरे वो भास्कर का है, बुला ना उन्हें। वो बाथरूम में बस आ रहे हैं, तू परेशान मत हो, खाना खा लेंगे। मैं परेशान नहीं हो रही, ठंडा हो रहा है खाना, जा जल्दी से बुला कर ले। हाँ आई वो आ रहे हैं। तू भी ना। अगर अवनी भास्कर से फोन वर्स, वो घर से फोन। भास्कर लवकर घर ये आई को, आई को ना वो क्या अंजिता एक बार। हेलो हेलो, क्या बात है, क्या हुआ? वो अंजिता का फोन था, कह रही थी कि भास्कर की आई हॉस्पिटल में एडमिट है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।